चले दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग जान चुके थे कि विद्युत क्षेत्र होती क्या है, तो बस आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्या कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं आखिर होती क्या है, आखिर इसके गुणधर्म क्या है। तो देखो, विद्युत क्षेत्र क्या है, एक काल्पनिक रेखा होती है। जैसा आप चुंबकीय क्षेत्र में पढ़े होंगे, चुंबक तो देखे ना, चुंबक में दो तरह का ध्रुव होता है। फोकस करेगा जरा सा, चुंबक में दो तरह का ध्रुव होता है, एगो नॉर्थ होता है, एगो साउथ होता है। तो क्या होता है ना कि चुंबक के जो नॉर्थ है, जो एन होता है, वहां से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है और क्या होता है, साउथ तक खत्म हो जाती है। ये तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि कहां से, यहां से उत्पन्न होगी और यहां खत्म होगी, एन से उत्पन्न होगी, एस तक खत्म हो जाएगी। आप पढ़े हैं ना बुआ, मतलब एस से, एन से उत्पन्न होगी और कहाँ खत्म हो जाती है, एन तक, एस तक खत्म हो जाती है। यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एन से उत्पन्न होती है और एस तक क्या होती है, समाप्त हो जाती है। आप पहले भी पढ़ चुके हैं। तो कहने का मतलब देखो, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, आप ये पढ़ रहे हैं कि किसी भी आवेश का अपना अपना एक क्षेत्र होता है। मान लो कि कोई आवेश यहाँ पर क्यू है, ठीक है ना, तो ये क्यू आवेश है तो इसका कुछ ना कुछ क्षेत्र होगा ना। तो मान लेते कि यहाँ तक उसका क्षेत्र होगा, इसके क्षेत्र में कोई अन्य आवेश आएगा तो ये आवेश उस पर बल लगाता है, जिसे हम लोग विद्युत क्षेत्र कहते हैं। मालूम है ना, ये तो पहले मैं आपको बता चुका हूं। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, कुछ नहीं, बस अर्थ इतना फोकस करना कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती क्या है। तो विद्युत क्षेत्र रेखा एक काल्पनिक वक्र होता है, जो क्या दर्शाएगा, जो दर्शाएगा उसकी विद्युत क्षेत्र को दर्शाएगा। देखो, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, एक काल्पनिक वक्र है, जो क्या प्रदर्शित करती है, विद्युत क्षेत्र प्रदर्शित करती है। देखो यहां पर ये प्लस और माइनस, ये दो तरह का आवेश है। अब ये दोनों एक दूसरे पर बल लगाएंगे ना, अब बल लगा रहे तो कौन सा बल लगा रहे, वो बल लगा रहे आकर्षण बल। अब पढ़े कि जब विपरीत आवेश होता है ना, माइनस प्लस चाहे प्लस माइनस, तो वो क्या करते हैं, आकर्षण बल लगाते हैं। लेकिन जब सेम सम होते हैं ना, प्लस प्लस चाहे माइनस माइनस होते हैं, तो वो प्रतिकर्षण बल लगाते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं। क्या करते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं। आप ये पहले भी जानते भी है, ठीक है ना। देखो, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, ये प्लस और माइनस है, इस आवेश का अपना क्षेत्र होगा, जब ये कोई अन्य आवेश आ रहा है तो ये इस पर बल लगाएगा, या तो इसको दूर भगाएगा नहीं तो अपने पास खींचेगा। लेकिन ये माइनस है तो प्लस क्या करेगा, खींचेगा, कहे कि अरे ससुरी कहेगी तो बहुत सुंदर लड़की आ रही है कि प्लस माइनस, मान लो कि प्लस लड़का है, माइनस क्या लड़की है, तो भाई लड़का तो देख के चटक मटक कर भी करेगा, उसको खींचेगा। लेकिन ये भी लड़का है, ये भी लड़का ही उसके पास जाएगा, तो ये कहेगा कि हम तुमका पसंद नहीं करेंगे, तू लड़का है। तो कहने का मतलब यहां पर समझिएगा, वो फोकस करेगा ध्यान से। तो ये प्लस माइनस के पास, माइनस जो है ना प्लस के पास आ रहा है, तो प्लस जो है ना आकर्षित करेगा। तो यहां पर क्या होगा, प्लस यहां पर एक रेखा का निर्माण करता है, वो अपना क्षेत्र दर्शाता है। ये जो रेखा खींचा गया कि प्लस से रेखा उत्पन्न हो रही है और ऋणात्मक मतलब माइनस तक खत्म हो जा रही है, तो ये दर्शा क्या रहा है, ये दर्शा ये रहा है ना कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस से उत्पन्न होती है, ऋणात्मक तक खत्म हो जाती है, ऋणात्मक तक क्या होती है, समाप्त हो जाती है। तो ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ये जो विद्युत क्षेत्र रेखा है, ये क्या है, तो ये दर्शाती है विद्युत क्षेत्र को कि यहां तक मेरा क्षेत्र है, तुम इसके अंदर मत आओ, या अगर लड़का होगा तो उसको दूर भगाएगा, लड़की होगा तो उसको अंदर खींच लेगा। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या दर्शाती है, बात सीधी सी याद रखना है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। अब विद्युत क्षेत्र क्या है, काल्पनिक वक्र है, मतलब कहने का मतलब काल्पनिक वक्र समझते हैं ना, काल्पनिक वक्र मतलब ये अपना से क्या किए, डॉट लाइन बना दिए, रेखा बना दिए। तो विद्युत क्षेत्र रेखा एक काल्पनिक वक्र होती है, जो विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। क्या करती है, विद्युत क्षेत्र को दिखाने का काम करती है कि मेरा यहां तक क्षेत्र है, अगर इसके अंदर तुम आओगे ना तो गोली मार देंगे, एकदम नहीं छोड़ेंगे। तो विद्युत क्षेत्र रेखा यही, इसी का, इसका यही काम होता है। जैसे दरबान को देखिए ना, दरबान का क्या काम होता है, दरवाजे पर खड़ा होकर एकदम चौकीदारी करते रहना है कि कोई अंदर नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना, कोई अंदर, क्योंकि यहाँ तक मेरा क्षेत्र है, इसके बाद नहीं, अंदर नहीं आना है, तुम बाहर से जो करना चाहते हो कर, लेकिन अंदर नहीं आना है। तो यही विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है, एक दरबान का काम करता है, कहता है कि तुमको अंदर नहीं आना है, ये मेरा क्षेत्र पड़ता है। यानी क्षेत्र को दिखाने का काम कौन करता है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। यानी विद्युत क्षेत्र को कौन प्रदर्शित करता है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, कि काल्पनिक वक्र होती है, काल्पनिक वक्र का मतलब उसको रचना कर दी गई है, ठीक है ना। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक काल्पनिक वक्र है, जो विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। एक बार और फिर से समझिए, देखो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक काल्पनिक वक्र है, जो विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। अब देखो, विद्युत क्षेत्र रेखाएं की दो तीन खासियत मैं आपको बता रहा हूं, फोकस करिएगा ध्यान से। देखो, विद्युत क्षेत्र रेखा जो होती है ना, प्लस से उत्पन्न होती है और माइनस पर समाप्त हो जाती है। क्या होती है, प्लस से उत्पन्न होती है, मतलब प्लस से वो अनंत की ओर जाती है, और ऋणात्मक वो क्या होती है, खत्म हो जाती है, मतलब ऋणात्मक की ओर आकर्षित हो जाती है। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है, देखो यहाँ पर ये प्लस से क्या हो रही है, विद्युत क्षेत्र रेखा उत्पन्न हुई, ऋणात्मक तो क्या हो गई, खत्म हो गई है। अब आगे हम लोग समझते हैं। अब देखो, विद्युत क्षेत्र तो आप समझ गए, विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक काल्पनिक वक्र है, जो विद्युत क्षेत्र को दर्शाती है। अब विद्युत क्षेत्र रेखा का गुणधर्म हम लोग देखते हैं। पहला गुणधर्म हम लोग ये देखते हैं
देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखा जो होती है ना प्लस से उत्पन्न होती है, ऋणात्मक की ओर आकर्षित होती है। मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहां से उत्पन्न होती है, मतलब विद्युत क्षेत्र रेखा धनात्मक से क्या होती है, उत्पन्न होती है और ऋणात्मक पर समाप्त हो जाती है। देख सकते हैं ना यहाँ पर यह प्लस है, यहां से विद्युत क्षेत्र रेखा क्या उत्पन्न हो रही है, देख सकते हैं विद्युत क्षेत्र रेखा उत्पन्न हो रही है और यहां पर क्या हो रही है समाप्त हो रही है। देखिए यहां से उत्पन्न हुई और यहां पर क्या हो गई समाप्त हो गई। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से उत्पन्न होती है, ऋण आवेश पर समाप्त होती है। उसके बाद यहाँ पर एक और गुणधर्म हम लोग समझते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाओं में जब विद्युत क्षेत्र होता है ना, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से क्या होती है अनंत तक जाती है, ऋण आवेश से अनंत से ऋण आवेश में अनंत से चलकर क्या होती है मतलब ऋण आवेशित की ओर आने का काम करती है। देखो यहाँ पहला गुणधर्म आप ये समझे कि धन आवेश क्या होती है, मतलब ये जो विद्युत क्षेत्र रेखा होती है धन आवेश से उत्पन्न होती है, ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है, ये पहला गुणधर्म। और दूसरा अगर यहाँ पर फोकस करिए तो देख रहे ना धन आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखा उत्पन्न होकर अनंत की ओर जा रही है, फैल जा रही है, लेकिन ऋण आवेश पर विद्युत क्षेत्र अनंत से कहां आ रही है ऋण आवेश की ओर आकर्षित हो रही है, क्या हो रही है ऋण आवेश की ओर आकर्षित हो रही है। तो ये भी दूसरा गुणधर्म बना सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से उत्पन्न होकर अनंत की ओर जाती है और विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऋण आवेश में अनंत से उत्पन्न होकर ऋण आवेश की ओर आकर्षित होती है, मतलब ऋण आवेश की ओर आने का काम करती है। धन आवेश से अनंत पर जाएगा और ऋण आवेश से अनंत से ऋण आवेश पर आने का काम करेगा, ये दूसरा गुणधर्म, ठीक है ना। मतलब ये देखो पहला गुणधर्म मैंने आपको ये बता दिया कि धन आवेश से उत्पन्न होगा ऋण आवेश पर समाप्त होगा, देख सकते हैं धन आवेश से उत्पन्न होगा ऋण आवेश पर समाप्त हो गया। और दूसरा गुणधर्म क्या कि धन आवेश से अनंत की ओर जाएगा और ऋण आवेश से वो अनंत से ऋण आवेश की ओर आने का काम करेगा, ठीक है ना। आगे देखो अब यहाँ पर दिशा, मान लो विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा आपको बताना है। देखो विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा बता कौन बताता है, अब देखो यहाँ पे सिंपल से समझे तो मान लो कि आपके पास कोई विद्युत क्षेत्र रेखा है, ठीक है ना। अब इसकी दिशा कहाँ है, तो इसकी दिशा इधर गई है। अब इसकी दिशा को बताने का काम कौन करेगा, स्पर्श रेखा। ये इस बिंदु पर मान लो कि वन पर बताना है, टू पर बताना है, थ्री पर, चार फोर पर, फाइव पर बताना है कि इस बिंदु पर इसकी स्पर्श रेखा क्या होगी, तो इस मतलब इसकी दिशा क्या होगी, विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर उसकी उसकी दिशा बताना है कि दिशा क्या होगी। तो जिस बिंदु पर जैसे वन पर बताना तो वन पर स्पर्श रेखा खींच देंगे तो ये बता देगा दिशा इधर है, और टू पर स्पर्श दिशा बताना तो यहाँ पर स्पर्श रेखा खींच देंगे बता देगा दिशा इधर है, यहां पर जब स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये बता देगा दिशा इधर है, जब यहां पर खींचेंगे तो ये बता देगा कि दिशा इधर है, और जब पॉइंट फाइव पर खींचेंगे तो ये बता देगा कि दिशा इधर है। तो कहने का मतलब विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा कौन बताता है, और स्पर्श रेखा बताता है किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, यदि उसकी दिशा बतानी हो तो उसके लिए स्पर्श रेखा आपको खींचना पड़ता है। तो याद रखिएगा विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा बताने का कौन काम करता है, तो विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा बताने का काम कौन करेगा, वो करता है स्पर्श रेखा। तो पहला गुणधर्म क्या था, पहला गुणधर्म था कि विद्युत क्षेत्र रेखा धन आवेश से उत्पन्न होती है ऋण आवेश पर समाप्त होती है। दूसरा गुणधर्म था कि विद्युत क्षेत्र रेखा धन आवेश से उत्पन्न होकर अनंत तक जाती है और ऋण आवेश में अनंत से ऋण आवेश की ओर आने का काम करती है। तीसर का विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा कौन बताता है, तो स्पर्श रेखा बताता है। तो विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर यदि उसकी दिशा बताना हो तो उसके लिए स्पर्श रेखा खींच देंगे, तो स्पर्श रेखा बता देती है कि उसकी दिशा किधर है। जैसे वन की दिशा ऊपर की ओर, टू की दिशा इधर है, थ्री की दिशा इधर है, फोर की दिशा ऊपर है और फाइव की दिशा नीचे की ओर। तो विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर यदि उसकी दिशा बताना हो तो उसके लिए स्पर्श रेखा खींची जाती है, स्पर्श रेखा। अब तीसरा देखो, विद्युत क्षेत्र रेखा है जब पास पास होती है ना तो मजबूत होती है, स्ट्रांग होती है। जैसे मान लो कि घर में 10 गो आदमी है, एक घर में 10 गो, मान लो कि दो घर है जिसमें एक घर में 10 गो आदमी जो संग में एकदम मिलल जुलल है, एक घर में और 10 आदमी है और जो सब अलग अलग है, तो स्ट्रांग कौन हुआ, जो मिलल है और जो अलग अलग है। जो लोग साथ है ना वो स्ट्रांग होंगे क्योंकि उनकी क्षेत्र रेखाएं मजबूत है, एक अगर झगड़ा करेगा तो 10 भिड़ जाएगा, और जो 10 अलग अलग है सब ना उसमें एक लड़ेगा ना, एक मारपीट करेगा, एक किसी को मतलब एक मारेगा, कोई आकर उसके एक को मारेगा ना तो वो क्या करेगा, मजा लेगा कि ठीक बोले मारती और मार दो। तो कहने का मतलब पास होना, जब लोग पास होते हैं ना तो उनकी जो पकड़ होती है मजबूत होती है, और जब अलग अलग होते हैं ना तो मजबूत नहीं होते हैं। और सही होता है, क्षेत्र रेखा जब एक दूसरे के निकट होंगी ना तो वहां पर वो विद्युत क्षेत्र मजबूत दिखाता है, विद्युत क्षेत्र क्या है, मजबूत है। लेकिन जब क्षेत्र रेखा दूर दूर होती है तो वो विद्युत क्षेत्र वीक मतलब कमजोर दिखाने का काम करती है। तो यहां से तीसरा गुणधर्म आप निकाल सकते हैं
कि क्षेत्र रेखाओं का विद्युत क्षेत्र रेखाएं जब पास पास होती है तो मजबूत क्षेत्र को दर्शाती है, लेकिन विद्युत क्षेत्र रेखाएं जब एक दूसरे से बहुत दूरी पर होती है इसका मतलब है कि वो कम विद्युत क्षेत्र दिखाने का काम करती है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं का पास पास होना क्षेत्र को मजबूत दिखाता है और विद्युत क्षेत्र रेखाओं का दूर होना क्षेत्र को कमजोर मतलब छीन होने का दिखाता है। कमजोर का मतलब छीन बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो क्षेत्र रेखा दूर होगा तो भाई विद्युत क्षेत्र कम होगा और क्षेत्र रेखा जब नजदीक होगा तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं बहुत ज्यादा मजबूत होगा। चौथा देखिए, अब देखिए दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काट सकती है कि नहीं। मान लो कि ये विद्युत क्षेत्र रेखा है और ये विद्युत क्षेत्र रेखा है, दोनों विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्या कर रही है, काट रही है। ये विद्युत क्षेत्र रेखा है और ये विद्युत क्षेत्र रेखा है, मान लो कि इस बिंदु पर काटने का काम कर रही है। तो इस बिंदु पर काट रही है तो देखते संभव है कि नहीं, इस बिंदु पर काट रहे तो इस बिंदु पर दो इसकी दिशाएं हो जाएंगी, क्या एक इधर की ओर दिशाएं हो जाएंगी और एक इधर की ओर दिशाएं हो जाएंगी। किसी एक बिंदु पर दो दिशाएं निकल रही है इसका मतलब है कि कभी भी विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को नहीं काट सकती। देखो मान लो कि दो विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को ये काट रही है और काट रही है तो इस बिंदु पर दो को दिशा है, एक उधर एक इधर बन रहा है। तो एक बिंदु की दो दिशा यहाँ पर बन रही है इसका मतलब है कि कभी भी दो क्षेत्र रेखा एक दूसरे को नहीं काट सकती है। क्यों? देखो दो विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को नहीं काट सकती है। क्यों? क्योंकि कटान बिंदु पर दो दिशा उत्पन्न हो जाती है जो कि संभव नहीं है। कटान बिंदु पर मात्र एक एक दिशा उत्पन्न होनी चाहिए, मतलब कटान बिंदु पर एक ही वो दिशा उत्पन्न होनी चाहिए, लेकिन यहाँ कटान बिंदु पर कोई दिशा उत्पन्न होगा दुगो। तो बस आपको इतना लिखना है कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है, अगर वो काटती है तो कटान बिंदु पर दो दिशाएं उत्पन्न होती है जो कि संभव नहीं है। कटान बिंदु पर दो दिशाएं आ रही है ये क्या है, संभव नहीं है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। अगर क्वेश्चन कर दे कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है तो बस इतना आपको लिखना है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है क्योंकि कटान बिंदु पर दो दिशाएं संभव होती है जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। कहने का मतलब देखो क्या कि दो विद्युत क्षेत्र एक दूसरे को काट रही है तो कटान बिंदु पर दो दिशा बनेगा जो कि संभव नहीं है, बस इतनी बात लिखना है। अब पांचवा देखो, पांचवा क्या है कि जब मान लो कि क्षेत्र रेखा एकदम एक समान लेंगे तो एक समान का मतलब सोचते ना एकदम समानांतर, जब विद्युत क्षेत्र रेखा एकदम एक समान लेते हैं तो उनकी दिशा भी एकदम सेम होती है, कहीं से भी देख सकते हैं दिशा किसी भी बिंदु से, और उनके बीच का दूरी भी क्या होता है, सेम होता है। यानी एक समान विद्युत क्षेत्र में रेखाएं समान, विद्युत क्षेत्र रेखाएं समानांतर होती है और उनकी दूरी उनकी दिशा सब क्या होती है, नियत होती है, फिक्स होती है कि एकदम इसी दिशा में जाएंगे तो इसी दिशा में जाएंगे। एकदम रोड सीधा है, आप साइकिल लेकर चल दिए तो आप नियत नहीं जाएंगे, मुड़ेंगे का कहीं, एकदम सीधे आपको वही जाना है, बात सीधी सी है। तो यहां पर फोकस करिए, तो ये क्या एक समान विद्युत क्षेत्र रेखा है, ये क्या एक समान मतलब एक समान एकदम लाइन से चल रहा है विद्युत क्षेत्र रेखा है। तो एक समान विद्युत क्षेत्र रेखाओं के दिशा और परिमाण और उनके बीच की दूरी सब क्या होती है, सेम होती है। क्या होती है? दिशा परिमाण और उनके बीच की दूरी सब क्या होता है, फिक्स होता है, सेम होता है। तो ये क्या होगा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है। मतलब देखो तो एक समान विद्युत क्षेत्र रेखाएं में क्या होंगी, रेखाएं समानांतर होंगी एक दूसरे के, उनके बीच की दूरी नियत होगा मतलब उनका परिमाण नियत होगा, उनकी दिशा फिक्स होती है, ठीक है ना। आगे देखिए, अब जो हम लोग छठा पढ़ रहे हैं इसका गुणधर्म, छठा क्या होता है कि आप देख रहे हैं ना, विद्युत क्षेत्र रेखा धन से उत्पन्न होती है, ऋण पर समाप्त होती है। इसका मतलब है कि है लूप का निर्माण नहीं करा, बंद लूप मतलब सब बंद डिब्बा हो, वजन को लूप कहते हैं जो बंद हो। तो ऐसा नहीं है कि जो विद्युत क्षेत्र रेखा होती है एक बंद आकृति बंद लूप का निर्माण करते, नहीं है, जो विद्युत क्षेत्र रेखा एक काल्पनिक वक्र होता है, इसकी कल्पना करी जाती है, मतलब रचना के लिए एकदम डॉट लाइन से दिखा भी सकते हैं इसको। तो विद्युत क्षेत्र रेखा जो होती है लूप का निर्माण नहीं करती है। अगर आप इस गलत फहमी में जी रहे कि बंद डिब्बा का बंद लूप का निर्माण करा, नहीं, ये तो सिर्फ रचना करेगी, ये तो काल्पनिक वक्र है। अभी तो आप पढ़े थे ना विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक ऐसा वक्र होती है, एक ऐसा काल्पनिक वक्र है जो विद्युत क्षेत्र को दर्शाने का काम करती है, ठीक है ना। तो विद्युत क्षेत्र रेखा लूप का बंद लूप का निर्माण नहीं करती है। एक बार फिर से और रिवाइजिंग करिए, देखिए विद्युत क्षेत्र रेखा क्या, तो विद्युत क्षेत्र रेखा एक काल्पनिक वक्र होती है जो विद्युत क्षेत्र दर्शाने का काम करती है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं का गुणधर्म देखते हैं, तो पहला गुणधर्म होगा कि विद्युत क्षेत्र रेखा धन आवेश से उत्पन्न होती है, ऋण आवेश पर समाप्त होती है। और दूसरा गुणधर्म की यदि बात करते हैं तो विद्युत क्षेत्र रेखा धन आवेश से उत्पन्न होकर अनंत की ओर चली जाती है और ऋण आवेश में अनंत से ऋण आवेश की ओर आने का काम करती है। तीसरा बात करते हैं तो विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर यदि उसकी दिशा बताना हो कि उसकी दिशा कहां है तो उसके लिए स्पर्श रेखा का प्रयोग करते हैं। तीसरा यदि चोटका यदि बात की जाए तो क्षेत्र रेखा जब नजदीक होंगी ना तो उनका मजबूती दर्शाना मतलब वो
प्रबल विद्युत क्षेत्र को दर्शाएगा, और क्षेत्र रेखा जब दूर होंगे ना तो वो वीकली वीकली मतलब कमजोर विद्युत क्षेत्र को दर्शाने का काम करेगा। और चौथा, दो विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को नहीं काट सकती है, यदि वो काटेंगी तो कटान बिंदु पर दो दिशाएं होंगी जो कि संभव नहीं होता है। पांचवा, देखो जब एक समान विद्युत क्षेत्र ले जाएंगे ना, एक समान का मतलब समझ में आ रही है, एक समान जब विद्युत क्षेत्र ले जाएंगे, क्या जब एक समान विद्युत क्षेत्र ले जाएंगे तो क्षेत्र रेखाएं समानांतर होते हैं, क्या होती है समानांतर होती है, क्षेत्र रेखाएं क्या होती है समानांतर होती है, उनका परिमाण और दिशा सब नियत होता है। उसके बाद विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है ना वो लूप का बंद लूप का निर्माण नहीं करती है। अच्छा एक दो और क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखो यहाँ पर इसको मिटका देते हैं, ये गुणधर्म आपको बेटर से समझ में आ गई होगी। मान लो कि मैंने आपको एक चीज बता दिया कि धन आवेश है, जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है वो धन आवेश से उत्पन्न होती है, कहां से उत्पन्न होती है धन आवेश से। अब फोकस करिए कि मान लो कि यहां भी धन ले लिया और यहां भी धन आवेश ले लिया, ठीक है ना, यहां इसको भी मिट करता हूं, यहाँ भी ऋणात्मक अवश्य ले, यहाँ भी ऋणात्मक अवश्य ले लिया, तो आपको मालूम होनी चाहिए ना कि विद्युत क्षेत्र धन आवेश से उत्पन्न होती है, क्या होती है उत्पन्न होती है, ठीक है ना, ये धन आवेश से क्या होगी उत्पन्न होगी। फोकस करिए, धन आवेश से उत्पन्न होगा कहाँ चले जाएंगी, अनंत की ओर चली जाएंगी, विद्युत क्षेत्र रेखाएं आप तो पहले से भी ये जानते हैं, ठीक है ना, यहाँ भी वैसे ही होगा आपका, धन आवेश से क्या होगा उत्पन्न होगा विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो देखो यहाँ पर ऋण आवेश में क्या होता है, ऋण आवेश में भी ऐसे ही होता है आपका, बस अर्थात ऋण आवेश में क्या होता है अनंत से आने का काम करता है, अनंत से क्षेत्र रेखाएं क्या करेंगी आएंगी। अब देखो यहाँ पर आवेश क्या होता है, आवेश ऋणात्मक में क्या होता है कि ऋण आवेश की ओर आने का काम करता है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं यहाँ पर क्या हो जाएंगी वापस चली जाते हैं ऋण आवेश की ओर, देख सकते हैं, बस अर्थ अंतर क्या है कि जब प्लस प्लस लेंगे ना दूर भागेगा, ऋण आवेश मतलब ऋण आवेश सेम सेम आवेश लेंगे, ऋण ऋण मतलब प्लस प्लस चाहे माइनस माइनस लेंगे तो वो दूर भागने का काम करेगा। क्षेत्र रेखाएं यहाँ पर क्या होती है प्लस प्लस क्या होती है ये अनंत की ओर जाते हैं, देख सकते हैं सब एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं। और ऋण आवेश में क्या होता है कि ये सब अपनी ओर खींचते हैं, तो सेम सेम आवेश लेंगे तो आपका क्षेत्र रेखा ऐसे बनने का काम करेगा। तो इस बात को भी अपने दिमाग में पूरी तरह से क्या करेगा फिट कर लीजिएगा, अगर इस तरह से देखी जाए तो विद्युत क्षेत्र रेखा जो है ना आपका बेसिक से क्लियर हो गया। आई होप ये सारी बातें भी आपको बेटर से समझ में आ गई होगी। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक को स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।